आरा शहर के शिवगंज स्थित होटल शांतिराज के सभागार में भोजपुर जिला स्वर्णकार संघ का सम्मेलन किया गया। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष दीपक कुमार अखेरा ने किया। संबोधित करते हुए दीपक कुमार अखेरा ने कहा कि भोजपुर में स्वर्णकार समाज का कोई संगठन नहीं था, जिसके कारण स्वर्णकारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब वो हालत नहीं रहेगी। इस मौके पर पटना से पधारे शिव कुमार स्पंदन ने कहा कि स्वर्णकारों को एकजुट करने के लिए समारोह रखा गया है। उपाध्यक्ष बिहार स्वर्णकार संघ कुंदन कुमार, उपाध्यक्ष राम अयोध्या, कार्यकारिणी सदस्य जवाहर प्रसाद, धीरज कुमार स्वर्णकार, दीपक, दिलीप शर्मा, संत कुमार वर्मा, अशोक कुमार वर्मा, जीतू सोनी, प्रकाश कुमार सहित काफ़ी संख्या में स्वर्णकार मौजूद थे। साथियों ने अनेक बिंदुओं पर चर्चाएं की, सभी बिंदु विचार विमर्श के दायरे में आते हैं और उन सभी पर हम लोगों को संघर्ष करने की भी जरूरत पड़ती है। कोई अकेला व्यक्ति कोई काम नहीं कर पाता, लेकिन अगर वही हम आप सब साथियों का अगर सहयोग मिले तो बड़ी से बड़ी कार्य छोटी नजर आने लगे। सम्मेलन समारोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये सोनार संघ का हम लोग अपने जातीय का यूनाइट कर रहे हैं और ऐसे तो जाति हमारे पूर्ण यूनाइट है, लेकिन अभी वर्तमान परिवेश में ये हर बिहार के हर जिले में सोनार संघ अपने जिला स्तर से ब्लॉक से लेकर पंचायत तक का एक यूनियन बना रहे हैं। किस सोनार संगठित हो, अभी हम लोगों को सोनार संघ जनगणना के में अलग अलग कर दिया है, जो सोनार संघ का 0.68 सोनार संघ में हम लोग कसेरा ठठेरा भी आते हैं, सोनार संघ में खत्री भी हैं, ये सब लोग मिला कर करके लगभग 1% उनकी गणना, जो कि इस गणना से हम सहमत नहीं हैं और आने वाले दिन में हम उनको प्रोड्यूस करेंगे बिहार सरकार को कि हम लोग भी परसेंट में हैं, पॉइंट में नहीं हैं और मेरी हकदारी राजनीतिक में मिलनी चाहिए। आज मिलन समारोह में क्या जी, भोजपुर जिला स्वर्णकार संघ का आज जिला स्तरीय सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है और बहुत सारे पूरे भोजपुर जिले से और पटना के लिए से लोग चलकर आए हैं और यहाँ पर भव्य यहाँ पर सम्मेलन हो रहा है कि स्वर्णकार इस संगठन मजबूती कायम रहे। और हमारी मांग है कि विश्वकर्मा जितने भी स्वर्णकार हैं सबको सरकार अति पिछड़ा में शामिल करे और सबको विश्वकर्मा योजना के तहत 2-2 लाख रुपया ऋण भी मुहैया कराए। जी पहली बैठक है जी। लोजपा राम विलास जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राम विलास पासवान अमर रहे, अमर रहे, राम विलास पासवान अमर रहे। स्वर्गीय राम विलास पासवान जी हम लोगों के मसीहा थे और दलित सेना और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे और पूरे देश में इनको दूसरा अम्बेडकर के नाम से जाने जाते थे। इन्होंने गरीब दलित शोषित के साथ साथ स्वर्ण गरीबों के लिए जो उपकार किए हैं, कार्य किए हैं, इतिहास कभी भुलाएगा नहीं। इसलिए लोजपा राम विलास तय की है और हमारे पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने निर्णय किया है कि आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में तमाम जिला में जिला पदाधिकारियों के माध्यम से, जिला अध्यक्ष एवं तमाम कमेटियों के माध्यम से आज पुण्यतिथि, तीसरी पुण्यतिथि मनाया जाए। और हम लोगों ने सर्वप्रथम हमारे वरीय लोजपा के पदाधिकारी आदरणीय श्री जितेंद्र शुक्ला जी,
ललन यादव जी, सोनू सिंह जी, बहुत सारे लोग उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में। महिलाएं भी हैं, कुसुम जी हैं, प्रदेश की नेत्री हैं, यहाँ के जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की लालती जी हैं, सभी लोग उपस्थित हैं। तो आज हम लोगों ने तय करके निर्णय लिया है कि आदरणीय रामविलास पासवान जी का हम लोग आज श्रद्धांजलि सभा करें, उनको नमन करें और उनके मार्गदर्शन में जो उनका निर्देश प्राप्त हुआ था, उस निर्देश के आलोक में उन्होंने संकल्प किया था कि गरीब दलित शोषितों के साथ साथ जितने गरीब हैं, चाहे जिस जाति बिरादरी के हैं, उनको सेवा करना है। हम लोग जितने पार्टी के लोग हैं संकल्प किए हैं और उन्हीं के निर्देशानुसार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी भी चल रहे हैं। आप देख रहे हैं पूरे भारत में नौजवानों का अगर कोई चाहता है तो आदरणीय चिराग पासवान जी। हम आप तमाम लोगों के चैनल के माध्यम से पद्म भूषण से सम्मानित और बिहार के आन मान शान स्वर्गीय रामविलास जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। यह उनकी तीसरी पुण्यतिथि है। निश्चित रूप से उनके कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनके सपनों को साकार करने के लिए जिस रूप में हम लोगों के लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी और उनके सहयोग के रूप में बिहार के जितने भी नेता हैं, चाहे डॉक्टर अरुण कुमार हों, चाहे रेणु कुशवाहा जी हों, चाहे राजू तिवारी जी हों या उल्लास पांडे जी हों, सब लोग कंधा से कंधा मिलाकर, चाहे सत्यानंद शर्मा जी हों, कंधा से कंधा मिलाकर, और एक बात मैं बहुत फख्र के साथ कहता हूँ कि पूरे बिहार में हम लोगों के सम्मानित जिला अध्यक्ष श्री राजेश्वर पासवान जी दिन रात एक किए रहते हैं कि रामविलास जी के सपना को निश्चित रूप से, अभी जैसे कि अध्यक्ष जी ने कहा कि हम उस घर में दिया जलाना चाहते हैं जहाँ बरसों से अंधेरा है, निश्चित रूप से राजेश्वर पासवान जी प्रयास कर रहे हैं, चिराग पासवान जी प्रयास कर रहे हैं। हम लोग चिराग पासवान जी को और तमाम राष्ट्रीय और प्रदेश के, हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जो बिहार आज तक छला जाते रहा है, हम तीसरे पुण्यतिथि पर संकल्प लेते हैं कि जो रामविलास जी का सपना था वह तभी साकार होगा। चिराग जी ने जो स्लोगन दिया है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, तो उस परिकल्पना को जमीन पर उतारने के लिए हम रात दिन एक करेंगे।